हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सर्विस सर्च यूट्यूब चैनल, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट किया था ये केबीएस पीआरटी के बुक्स के बारे में कि केबीएस पीआरटी के बुक्स दिखाइए अभी, क्योंकि इसका वैकेंसी है, इसका फॉर्म फिलअप हो रहे हैं। तो ये केबीएस पीआरटी के लिए हमारे पास यूथ कॉम्पिटिशन टाइम का पहला बुक आ चुका है और भी बहुत सारे बुक्स आने वाले हैं, सभी के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे उसके लिए जरूर से चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। और आज हम लोग कंप्लीट रिव्यू करेंगे ये केबीएस पीआरटी यूथ कॉम्पिटिशन टाइम का, इसमें सॉल्व पेपर प्रैक्टिस सेट और क्या क्या है क्या नहीं, प्राइस क्या है, बुक को चेक करने के लिए जो मैं 10 पेज का पीडीएफ देता हूँ वो सारा कुछ आपको मिलेगा। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहिए, और अगर अभी तक आपने हमारी सर्विस सेंच यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को इनेबल कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का नॉलेजेबल वीडियो रोजाना हमारे चैनल में आते रहते हैं, रोजाना हमारे पास न्यू बुक्स आते रहते हैं जिसका रिव्यू मैं आपके लिए करके देता हूँ। साथ ही बुक चेक करने के लिए 10 से 15 पेज का पीडीएफ भी फ्री में प्रोवाइड करता हूँ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो न्यू बुक्स हमेशा रहेंगे, अपडेट कौन सा एडिशन कब आ रहा है कब जा रहा है सारा अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। साथ ही ऑल ओवर इंडिया, आप कहीं से भी है, आपके क्षेत्र में ये बुक नहीं मिल रहा है या कोई भी ऐसा बुक है जो आपके क्षेत्र में नहीं मिल रहा है तो जरूर से मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर लीजिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, कोरियर के माध्यम से या स्पीड पोस्ट के माध्यम से वो बुक मैं आपके घर भेज दूंगा। तो चलिए आज का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। हे फ्रेंड्स, तो ये रहा हमारा यूथ कॉम्पिटिशन टाइम का केबीएस पीआरटी। तो इसमें अगर आपको इंग्लिश मीडियम चाहिए या हिंदी मीडियम चाहिए तो यहाँ पे मैं दिखा दूँ, ये इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज आपको इस बुक में देखने को मिलेगा। इंग्लिश लैंग्वेज में भी आप पढ़ सकते हैं इसको और हिंदी लैंग्वेज में भी आपको इसको पढ़ सकते हैं। अभी मैं आपको अंदर में भी दिखाऊँगा क्वेश्चन इसके सारे। तो ये केबीएस केंद्रीय विद्यालय समिति के लिए ये बुक आया है, प्राथमिक शिक्षकों के लिए, प्राथमिक शिक्षकों का जो वैकेंसी है उसके लिए 18 सेट इसमें देखने को मिलेगा। सॉल्व पेपर के साथ आपको यहाँ पे प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा। न्यू पैटर्न पे आधारित है, न्यू पैटर्न इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो नया हमारा सिलेबस पैटर्न रिलीज़ किया गया है 2 दिसंबर 2022 में, तो उसके अकॉर्डिंग ये बनाया गया है। 180 क्वेश्चन उसमें कहा गया है कि पूछा जाएगा, तो 180 क्वेश्चनों का सेट बनाया हुआ है, प्लस इस सारे डेट्स के सॉल्व पेपर भी आपको इस बुक में देखने को मिल जाएंगे हमारा यूथ कॉम्पिटिशन टाइम की तरफ से। तो प्राइस की बात करें तो यहाँ पे 295 रुपये मात्र इसका प्राइस है, काफ़ी कम प्राइस है। यूथ कॉम्पिटिशन टाइम के बुक्स के प्राइस काफ़ी जेन्युइन रहते हैं, इस प्राइस में भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यहाँ केबीएस के लिए हमारे पास और भी बहुत सारे बुक्स आने वाले हैं, तो उन बुक्स के रिव्यू आप देख पाओ उसके लिए ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर से इसका कॉन्टेंट। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने ये डेट वाला सीट दिखाया था, यहाँ पर भी ये सॉल्व पेपर सारा दिया गया है, केबीएस पीआरटी सिलेबस शुरू में दिया गया है, उसके बाद हमारे पास एग्जामिनेशन के डेट्स वगैरह दिया गया है जिनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए गए हैं, और उसके बाद यहाँ पे प्रैक्टिस सेट भी दिए गए हैं। प्रैक्टिस सेट न्यू पैटर्न डेट 2/12/2022, यानी अभी जो हमारा सिलेबस नया बनाया गया है 180 क्वेश्चन के, 180 क्वेश्चन के यहाँ पे सेट हमें नया बना के दिए गए हैं इतने सारे प्रैक्टिस सेट। तो चलिए देखते हैं अंदर से इस बुक को। तो यहाँ पे शुरू में जैसे कि सिलेबस दिया गया था, तो सिलेबस यहाँ दिया गया है। चलिए सिलेबस से हम लोग आगे बढ़ते हैं, चैप्टर देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट होता है, डेट दिया गया है 22/12/2018 में जो हमारा पहला एग्जामिनेशन हुआ था शिफ्ट वन, उससे स्टार्ट किया गया है। यहाँ पर जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन दिए गए हैं, और उसके बाद में सामान्य हिंदी भी दिया गया है, सामान्य ज्ञान वगैरह सारा कुछ इसमें दिया गया है। उस टाइम में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो सारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है, क्योंकि आपको इसको देख के पता चल जाता है किस लेवल के क्वेश्चन पूछा गया था और किस तरह के पूछे जा सकते हैं, तो इससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और सभी क्वेश्चनों में जो खास बात है, मैं ज़रा जूम करके दिखा दूं, यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, उसके बाद उसका आंसर दिया गया, इसमें आंसर डी, और डी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है इस बॉक्स के अंदर। सभी क्वेश्चनों में आपको यही रूल देखने को मिल जाएगी, सारे बॉक्स में आंसर को एक्सप्लेन किया गया है। तो यूथ कॉम्पिटिशन टाइम का बहुत ही खास बात है, वो जो भी आंसर बताए हैं उसको एक्सप्लेन भी करके यहाँ पर बता दिए हैं।
तो उस टाइम में जितने क्वेश्चनों का सेट थे, जितने क्वेश्चन थे, अभी 99 क्वेश्चन तक हम लोग पहुँच चुके हैं, तो उतने ही क्वेश्चन का यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा पहला सेट। तो यहाँ पे 150 नंबर का, उस समय 150 क्वेश्चनों का सेट था उस टाइम में, जिसको अभी रिवाइज करके 180 क्वेश्चनों का सेट बनाया गया। तो उस टाइम में 150 क्वेश्चन के एग्जामिनेशन हुए थे, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, आंसर यहीं पे दिया गया है और एक्सप्लेन भी किया गया है। उसके बाद हमारा दूसरा डेट यहाँ से स्टार्ट होता है और सेम ये भी इसी पैटर्न पे ही आधारित है। तो यूथ कॉम्पिटिशन टाइम के स्टडी मटेरियल काफ़ी अच्छे रहते हैं, आप बेहतर से समझ पाओ। इसलिए मैं ये पूरा जो एक चैप्टर आप देखिए 150 क्वेश्चन के, ये पूरा एक चैप्टर का मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें आप खुद से इस बुक को रिव्यू करिए, इसको चेक करिए, ये किस तरह के क्वेश्चन दिए, कैसे एक्सप्लेन किया गया है, उसको आप देख सकते हैं। तो अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट भी, चलिए आपको दिखा देता हूँ प्रैक्टिस सेट किस टाइप से दिए गए, नया वाला 145 पेज नंबर पर हमें चलना है। 145 रिव्यू को लास्ट तक देखिएगा तभी समझ में आएगा। तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 1 स्टार्ट होता है, प्रैक्टिस सेट सारे क्वेश्चनों को यहाँ पे दिया गया है। और कितने क्वेश्चनों का सेट है चलिए मैं दिखाता हूँ आपको, और उसके आंसर की भी दिखाता हूँ। तो 180 क्वेश्चन का, जैसे कि हमारा नया सिलेबस बना है 180 क्वेश्चनों का ये वाला, तो 180 क्वेश्चनों का हमें सेट दिया गया है, 180 क्वेश्चन का सेट, और यहाँ पे 180 क्वेश्चनों का आंसर की, 180 क्वेश्चन का, साथ ही सभी को यहाँ पे सॉल्यूशन किया गया है, यानी प्रैक्टिस के लिए हमें दिए गए क्वेश्चन उसके सामने में ही आंसर नहीं दे दिया गया, आंसर को लास्ट में दिया गया, उसके बाद यहाँ पर सॉल्यूशन और एक्सप्लेन किया गया है सभी को, जिन जिन क्वेश्चनों को एक्सप्लेन करना था, सॉल्यूशन करना था, सभी को किया गया है। अभी तक हमारे पास वही चल रहे हैं 180 क्वेश्चन, उसके बाद हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होता है और ये भी इसी पैटर्न पे ही आधारित है। हालांकि यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है कौन सा रीजनिंग के क्वेश्चन है, कौन सा GK के क्वेश्चन है, लेकिन पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही ये बनाया गया है सारे को। यहाँ पर जैसे रीजनिंग के क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो कुल मिला के ये काफ़ी अच्छी बुक है, बिल्कुल से मैं कहूँगा कि आपको यूथ कॉम्पिटिशन टाइम पे ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि इनका स्टडी मटेरियल वाकई बहुत ही अच्छा रहता है। अभी जो रेलवे NTPC ग्रुप डी के एग्जामिनेशन हुए थे, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इस बुक यूथ कॉम्पिटिशन टाइम के बुक से आ रहे थे, स्टूडेंट का काफ़ी ट्रस्ट उसी पर है। यूथ कॉम्पिटिशन टाइम के स्टडी मटेरियल काफ़ी अच्छे रहते हैं। तो आपके लिए मैंने 10-15 पेज का PDF बनाया है, उसे डाउनलोड करने के लिए हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप चल जाएगा, वहाँ मेरा गूगल ड्राइव का लिंक है, वहाँ क्लिक करके बड़े आसान से आपसे डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही इस बुक को ऑर्डर करने के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, कोरियर के माध्यम से या स्पीड पोस्ट के माध्यम से मैं ये बुक आपको भेज दूँगा। COD हमारे पास नहीं है, कैश ऑन डिलीवरी नहीं है हमारे पास, आप फ़ोनपे से पेमेंट करेंगे मैं ये बुक आपको होम डिलीवरी करवा दूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी अच्छी बुक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।